नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। सत्ता संरक्षण में बिहार में अवैध बालू खनन तेजी से हो रहा है। ब्रांडसन कंपनी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का पैसा लगा हुआ है। राजद के सबसे बड़े नेता का इस कंपनी में हिस्सेदारी है। हाईकोर्ट ने ब्रांडसन पर 139 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अभी हाल ही में ब्रांडसन कंपनी के एक मालिक के जन्मदिन में सत्ता पक्ष के अधिकांश मंत्री शामिल हुए हैं। जन अधिकार पार्टी ब्रांडसन से नजदीकी रखने वाले सभी नेताओं की संपत्ति की जांच की मांग करती है। पप्पू यादव ने कहा कि जन अधिकार पार्टी एमएसपी कानून और विशेष राज्य के दर्जा देने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। 19 दिसंबर को जाप के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। 27 दिसंबर को विशेष राज्य की मांग को लेकर राज्यव्यापी चक्का जाम। 10 जनवरी को राज्यव्यापी रेल रोको कार्यक्रम। 16 जनवरी को बापू सभागार में राज्यव्यापी सम्मेलन। 23 मार्च को गांधी मैदान में रैली होगी। सर, इतना लिस्ट जारी किए, शराब माफिया का ना कोई नेता पकड़ा गया, ना ही कोई शराब बड़ा शराब माफिया। तो सर, वो तो उससे जाके ना पूछिएगा क्यों नहीं पकड़ा है, हम तो लिस्टे ना जारी करेंगे। फिर हम व्हाट्सएप पर बोले हैं 90% नेता पर, वही ना करेंगे। सर, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं जाप विलय करेगी कांग्रेस में। सर, वो राजा है, हम रंक है, तो उनसे ना पूछिएगा, उनकी बात हमसे पूछिएगा। हमारी क्या औकात है भाई, कल शाम से उनका एक पोस्ट वायरल हो रहा है भैया। हमारी औकात क्या है, उनसे पूछिए। बड़ी कृपा होगी बिहार के 14 करोड़ जनता कैसे बचे, इसके लिए हम तैयारी में है, देखते चलिए। सवाल सर कि कहा ये जाता है कि शुरू से ही देखा जा रहा है कि माफिया के बिना जो है, तो भैया ये तो सबको पता है। नहीं, 15 साल से नीतीश जी की सरकार है, माफिया के बगैर हेलीकॉप्टर मिलता है ना, वोट मिलता है ना, शराब ना पैसा के बगैर तो क्या करेंगे हम। कह रहा हूँ अफसर पर भी गिने चुने, अफसर पर भी गिने चुने जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। बड़ी मछलियों पर कहां, और नेताओं पर तो पड़ता ही नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक साठ गांठ है। क्यों, दोनों दल इसमें हमाम में नंगे हैं, इसीलिए जांच नहीं होती है। 2021 खत्म होने वाला है। बिहार एनडीए में भी काफी ज्यादा बयानबाजी हो रही है। जेडीयू के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी के नेता अपने नेतृत्व और मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऊपर से जीतन राम मांझी भी 1000 करोड़ की मांग कर रहे हैं। तीनों दल आपस में लग रहे हैं, क्या लगता है अभी मेरा सवाल क्या कर रहे हैं, मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूँ। होने वाला है क्या 2022? भैया मैंने कहा क्या कर रहे हैं, कहाँ होने का, विपक्ष कौन है जो कुछ होने वाला होगा, जब विपक्षी सुनो और है ही नहीं, सत्ता पक्ष जनबल माफिया धनबल ताकत शासन प्रशासन से मजबूत है, तो क्या होने वाला, उस पर छोड़िए चर्चा। चर्चा अभी है कि 90% वाटसन में उसके जन्मदिन में मंत्री नेता क्यों गए और उसकी संपत्ति की जांच। हम जांच चाहते हैं, जांच और नेताओं की ईडी की जांच। मैं क्लियर हूं, विशेष राज और एमएसपी जब तक नहीं लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे, इसलिए राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत हमने शुरू की। 27 तारीख को चक्का जाम, 10 तारीख को रेल जाम, 16 तारीख को बापू सभागार और 23 तारीख को इसको दिखाएंगे। केंद्र सरकार का एक भी गाड़ी घोड़ा नहीं चलने देंगे यदि बिहार को विशेष राज और एमएसपी लागू नहीं। धन्यवाद, चलिए धन्यवाद। केंद्र सरकार का गाड़ी नहीं चलने देगा, फिर आपको उठा के जेल में डाल देगा। सर, हम जेल में जाने की तैयारी और मरने की तैयारी 24 घंटा करते हैं। आप लोगों की तरह गुड़ थाली में सोने नहीं आए, हम हमेशा मरने की तैयारी में है। ना हमको पैसा चाहिए, ना हमको ऐश्वर्याम की जिंदगी, ना गाल माल कुछ नहीं चाहिए, बस हमको मरने की तैयारी में हम रहते हैं। 24 घंटा जिसको मारना हो खुलेआम है, मार दो। हम नेता नहीं है कि हमको माल गाल सब कुछ में इन्वॉल्व नहीं। सर, नेता प्रतिपक्ष देखिए, हाईकोर्ट का आदेश है, देख रहे हैं, वाटसन की याचिका खारिज करना होगा, 139 करोड़ अधिक भुगतान। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इन्वॉल्व हैं। मोबाइल भी देखा दीजिएगा, मोबाइल भी है, देख नहीं रहा आपको,
ये माफियाओं के साथ सभी लोगों की भूमिका, सब लोग नब्बे प्रतिशत लगभग लोग जन्मदिन मनाने जाते हैं होटल में, कौन बिहार को बचा लेगा? शुरू करें, चलता है उसकी भी इसमें संलिप्तता है, पैसे लगे। एक बालू माफिया दूसरे बालू माफिया पर आरोप लगा रहा है, मैं नीतीश जी से जानना चाहूंगा कि आप की फेस वैल्यू बहुत बड़ी है, आप भविष्य में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये माफियाओं को संरक्षण यदि आपके 90% मंत्री संतरी जाके जन्मदिन में मनाएंगे, हाई कोर्ट का आदेश है कि 139 करोड़ ब्रॉडसन की याचिका खारिज, और इन्हीं के जन्मदिन में 90% मंत्री एमएलए नेता पहुंचते हैं, तो हम वाटसन की जांच के पहले मंत्री नेताओं की जांच की मांग करते हैं, उनके अकाउंट की, उनकी याचिका की, और उनके पूरे रिश्तेदारों को कहां कहां जमीन आवंटित हुआ उसकी मांग करते हैं। और अविलंब 139 करोड़ रुपया जो हाईकोर्ट ने कहा उसको वापस लीजिए, ईडी के तहत इस पर केस कीजिए और गिरफ्तार करके इसको जेल भेजिए हर परिस्थितियों में। कौन कौन विपक्ष के नेता बालू में किनकी किनकी पैसे और कौन किसने बिहार को लूटा है उसकी पूरी संपत्ति की जांच ईडी से होनी चाहिए। इसके पहले भी विपक्ष के कई नेताओं पर हाईकोर्ट ने पर और अन्य कोर्टों ने सरकार ने कहा था कि गलत तरीके से पैसा निकासी की गई, लेकिन अभी तक वारंट के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। और जो जो मंत्री संतरी वहां गए हैं उनको बर्खास्त करी। आखिर क्या मजबूरी रही होगी सर, उनके पैसे से ये लोग चुनाव लड़ते हैं, ये लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, सबाब कबाब सब कुछ पहुंचाया जाता है इन लोगों को। आरजेडी को फंडिंग होता है क्या? सभी लोग, मैं नाम नहीं जानता, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, एवरीवन एवरीबॉडी जो माफियाओं के साथ और माफियाओं की गाड़ी और उसके पैसे से राजनीति करेंगे वह बिहार का सपना कैसे देख सकते देश का। इसलिए दोनों दलों की भूमिका की जांच हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से। बिहार को सपना है कि कभी बिहार का भी प्रधानमंत्री हो। नीतीश जी बार बार उम्मीद मत तोड़िए, मेरा दूसरा आग्रह है कि हमने किसान अधिकार और बिहार के विशेष पैकेज के लिए पूरे 19 दिसंबर को पूरा सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की बैठक मैंने बुला ली 19 दिसंबर, 27 दिसंबर को 21 को राज्यव्यापी चक्का जाम विशेष राज और एमएसपी को लेकर, 10 जनवरी को राज्यव्यापी रेल चक्का जाम और इन बालू माफिया और शराब माफियाओं के खिलाफ, 16 जनवरी को राज्यव्यापी सम्मेलन सभागार बापू सभागार में किसान प्रतिनिधि और बेरोजगारों की बड़ी रैली,
और 23 मार्च को भगत सिंह के शहादत दिवस और लोहिया की जयंती पर गांधी मैदान में बिहार बचाओ के लिए किसान अधिकार के सवाल पर हम लोगों ने लड़ने की तैयारी कि हमें MSP और विशेष राज चाहिए और बालू माफिया शराब माफिया की मिली भगत जिस मंत्री संतरी MP MLA की है और जो लोग गए थे उसकी पूरी संपत्ति की जांच और उसको बर्खास्त जब तक नहीं करेंगे तब तक यह आंदोलन चलेगा। 19 दिसंबर से ये कार्यक्रम की शुरुआत। धन्यवाद। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।